Very good morning, students. I hope you are very well at your home. And today we start our next chapter, which is heredity and evolution. And this is fourth chapter of biology, heredity and evolution. मैंने इसके नोट्स तो आपको पहले ही सेंड कर दिए थे, बट आज हम वीडियो के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. वैसे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन थोड़ा सा बाकी जो चैप्टर हैं उनसे थोड़ा सा हार्ड है, बट इसके स्टार्टिंग टॉपिक ही हार्ड पड़ते हैं, बट समझने वाले के लिए तो कुछ भी हार्ड नहीं है. तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट. हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन is called heredity. देखो, हेरिडिटी एक वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एक पढ़ते हैं कि कैसे करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, या जेनेटिक्स जो होती है ना उसकी ब्रांच ही होती है. जेनेटिक्स के अंडर हम ये पढ़ते हैं हेरिडिटी के बारे में, कि हेरिडिटी वो है, वो टर्म यूज है जेनेटिक्स में, जिसके थ्रू हम क्या पढ़ते हैं कि करेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स जो हमारे गुण हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, वो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर कैसे आई, और हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर हमारे गुण या जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे जाएंगे, उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी. इसी को हेरिडिटी बोलते हैं कि कैसे करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. इसी चैप्टर हम यही सब पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये था मीनिंग हेरिडिटी का. हेरिडिटी जो चैप्टर है, हम आगे पढ़ने से पहले इसमें कुछ बेसिक जो टर्म यूज कर रहे हैं, वो जो टर्म कौन कौन सी हैं कि हेरिडिटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले जो टर्म जो यूज होगी हेरिडिटी की, कि भाई व्हाट जीन, कि जीन क्या होते हैं, कि जीन ही हेरिडिटी. पूरे का पूरा जो चैप्टर है हमारा, जो हेरिडिटी वाला, वो जीन के ऊपर ही बेस है. जीन क्या होते हैं? These are the segment of DNA which are present on chromosomes and which help in transfer the characteristics from one generation to next generation, from one generation to next generation. कि भाई ये जो जीन है वो एक सेगमेंट होता है इसका, डीएनए का. डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है. ह्यूमैन के अंदर जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है. ये जो डीएनए होता है ये ही ट्रांसफ़र करता है करैक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में है, ठीक है? एनी सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट इस डीएनए का, वो किसका काम करता है? जीन का काम करता है. आपने देखा होगा हमारा डीएनए ऐसे होता है, यूकैरियोटिक सेल्स का, डबल स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल डायरेक्शन 3 to 5 डैश, 5 डैश to 3 डैश, ठीक है? और ये जो डीएनए है ना, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है? ऐसे. और एनी, कोई भी सेगमेंट इस डीएनए का, कोई भी छोटा सेगमेंट हम ले लेंगे इस डीएनए का, तो किसका काम करता है? जीन का काम करता है. किसका काम करता है? जीन. और ये जीन, ये जो डीएनए, हमें पता है ये किसका बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के. न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? 2 होते हैं. पायरिमिडाइन्स, आपने हम प्लस वन में जाके पढ़ेंगे इनके बारे में, पायराडाइन एंड प्यूराइन, ठीक है? जिसमें प्यूराइन क्या होते हैं? एडिनाइन एंड थायमाइन
एंड गुआनाइन एंड साइटोसाइन, ठीक है। ये सब तो क्या है, कंपोजिशन है, बेसिक कंपोजिशन है डीएनए का। डीएनए किससे बना होता है, डीएनए ही किसका काम करता है, जीन। तो हम तो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, जीन के बारे में पता होना चाहिए कि जो जीन है ना, जो कि किसका सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट है, और ये ही हमारे अंदर करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। और ये जो जीन्स और जो करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, यहाँ मैंने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पहले ही पढ़ा था कि हमारे जो करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो किसके थ्रू होते हैं, हमारी सेक्स सेल्स के अंदर। जो गैमेट सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए होगा, उन डीएनए के अंदर ये जीन होगा, ठीक है। तो ये था जीन्स की डेफिनेशन है जीन की। अब हम बात करते हैं कि जो जीन्स होते हैं ना, वो हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। पेयर्स मतलब एक जोड़े में काम करते हैं। कोई भी सिंगल अकेला जीन कभी भी, कोई भी मान लो एक करैक्टरिस्टिक्स है उसको कंट्रोल करने के लिए एक पेयर ऑफ जीन होता है। मान लो किसी की हाइट को कंट्रोल करना है, तो हाइट को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल जीन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए एक पेयर ऑफ जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, एक पेयर ऑफ जीन, ठीक है। ये कह सकते हैं एक जीन की दो फॉर्म होती हैं, टू अल्टरनेट फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं, टू अल्टरनेट फॉर्म होती हैं एक जीन की। फर्स्ट जो फॉर्म होती है वो होती है डोमिनेंट फॉर्म, एंड दूसरी जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। ऐसे करके एक जीन किस में काम करता है, पेयर में काम करता है। ये कह सकते हैं जीन कि कितने फॉर्म होती है, टू फॉर्म होती हैं जो अल्टरनेट होती हैं एक दूसरे के, एक डोमिनेंट फॉर्म होती है और एक रेसेसिव फॉर्म होती है, ठीक है। ये तो थी जीन की, और इन्हीं पेयर्स को, इन्हीं पेयर्स को या इसी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को क्या बोलते हैं हम, एलीली मोर्फ। क्या बोलते हैं, एलीली मोर्फ, जो कि हम 12th क्लास में भी आगे यदि कोई बायो लेता है तो पढ़ेंगे, या फिर एलीलीज बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक जो जीन्स है वो पेयर में काम करते हैं, और एक जीन्स की दो फॉर्म होती हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है। सबसे पहले जो जीन्स के बारे में ना, मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट था, कौन था, मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था। किसने बताया था, मेंडल के नाम के साइंटिस्ट ने जीन के बारे में बताया था। इसका फुल नाम है गैरिगोर जोहान मेंडल, ठीक है। इसने सबसे पहले जीन के बारे में बताया था, कि उसने नाम तो नहीं दिया जीन को कि जीन को हम जीन बोलेंगे, उन्होंने जीन को फैक्टर बोला। क्या बोला, फैक्टर, कि कोई ऐसे फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी में जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। इनको जीन नाम दिया था वो किसने दिया था, एक अदर साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जोहान रे। क्या नाम था, जोहान रे। जोहान रे ने ही जीन को फैक्टर को क्या बोल दिया, उसने बोला कि फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीन। और उसने ये बोला कि एक जीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी जीन है यदि मुझे उसे रिप्रेजेंट करना है, यदि मुझे लिखना है, तो किसकी फॉर्म में लिखेंगे, हम लेटर की फॉर्म में लिखेंगे,